ज्ञान मन को, दान धन को, योग जीवन को, प्रार्थना आत्मा को, व्रत स्वास्थ्य को, क्षमा रिश्तों को और परोपकार किस्मत को शुद्ध कर देता है। एक भले पिता के अंतिम संदेश का हमारा आज का विषय है शुद्धता। तो आपने कभी सोचा है शुद्धता कौन कौन सी होती है? एक तन की शुद्धता और एक मन की शुद्धता। तन की शुद्धता के बारे में हर कोई सोचता है, पर कभी आपने मन की शुद्धता के बारे में सोचा है? मन की शुद्धता, योग ध्यान धारणा से हम मन की शुद्धता कर सकते हैं। पुराने जमाने में ऋषि मुनि जंगल में जाके घंटों ध्यान धारणा करते थे, पर हम इस जमाने में जंगल में जा नहीं सकते और ध्यान धारणा कर नहीं सकते। तो हमको हमारे निंदों को हमारे पास रखना चाहिए, ताकि वो हमारे अंदर की बुराइयां बाहर निकाल सके और हम में अच्छाई आ सके। तो इससे हम अपने जीवन को, अपने तन को, अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। यही बात संत कुरिया को चावरा जी हमें बताना चाहते हैं, तन की शुद्धता और मन की शुद्धता। अगर मन की शुद्धता हम करें तो हम भगवान के समीप जा सकते हैं। धन्यवाद।